हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। ये कहानी उन दिनों की है कि जब हम चार दोस्त इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक डैम है जिसे चुरल नदी के नाम से जाना जाता है और मौत की नदी भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और वो जगह ऐसी है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। इतनी मौत हो जाने के बावजूद भी लोग वहाँ जाना बंद नहीं करते हैं, और जब जैसे ही एंट्री वहाँ करते हैं, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है कितनी मौतें, कब कब की, कौन कौन से सन में कितनी मौतें हो चुकी हैं, किन किन लोगों के सबके नाम भी लिखे हुए हैं। उसके बावजूद पर वो जगह ही ऐसी है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। वैसे ही हम भी सब जानकर भी हम भी उस जगह के आकर्षित होकर वहाँ पर गए थे और हमने बियर, दारू की बोतल, चखना सब एक बैग में रख के हमने ले लिया था। पर वहाँ पर इतनी मौत हो गई, इस कारण से पुलिस वाले वहाँ पर लगे रहते हैं और किसी को नदी में अब नहाने की अनुमति नहीं है, अनुमति सबकी बंद कर दी है। तो अब हमने कहा कि यार नदी में नहाएंगे नहीं, पर नदी के अंदर जाके पत्थर है वहाँ पर बैठ के तो हम दारू पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नदी बहुत दूर थी। जहाँ मेन एंट्री आने की रहती है उसके आगे तो कोई देखता झांकता भी नहीं, क्योंकि पूरा जंगल है नदी वहाँ से गुजरती हुई पहाड़ी एरिया से, और शाम का टाइम होने लगा था, अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि वहाँ पर जल्दी 5 बजे से ही अंधेरा होने लगता है और बादल, काले काले बादल भी छाए रहे थे, बारिश होने की संभावना भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तरकीब निकाली जाए। तो मैंने पुलिस वाले को 100 रुपये दिए तो उसने बोला ठीक है, पर किसी को नज़र मत, कोने में चले जाओ आगे और किसी को दिखाई मत देना, और हम आराम से नहाना मत बोले कि बस तुम वहाँ बैठ के दारू पी सकते हो, और जल्दी आ जाना क्योंकि 1-2 घंटे बाद यह बंद करने का समय होने वाला है। तो हमने यह सोच विचार करा और वहाँ गए, बैठ के हम पीने लगे और इतना मज़ा आ रहा था, पर अंधेरा भी छा रहा था और पानी की जैसी जैसी लहरें, ऐसा लग रहा था कि पानी का बहाव तेज़ हो रहा है। और जैसे ही 5:30-6 बजने वाली थी कि पूरा वीराना टाइप का हो गया, एकदम सुनसान आवाज़ आने लगी, अलग अलग प्रकार की आवाज़ आने लगी और हमको काफ़ी डर भी लगने लगा। अब एकदम से वहाँ पर जहाँ पर नदी में मछली जो छोटी छोटी हमको दिखाई दे रही थी, अब वहाँ पर बड़ी बड़ी मछली दिखाई देने लगी, जो कि मैं पैर में नदी करके बैठा था तो एक बड़ी मछली मेरे पैर में काट के चले गई, तो उसमें से खून की धार बहने लगी। और इस प्रकार से मेरे को वहाँ पे कुछ शंका, डर होने लगा और कई आहट की आवाज़ भी आने लगी थी, और क्योंकि जो लोग वहाँ मर जाते हैं तो उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है, और एक अलग प्रकार के कानों में सनसनी से आने लगी। तो मैंने दोस्तों को बोला कि अब यहाँ ज़्यादा देर बैठना खतरे से खाली नहीं है, जितना जल्दी हो सके चलते हैं। पर मेरे दोस्त बोलते, अरे तू डर रहा है, देखो तो सब भूत प्रेत का ही सहारा दिखाई देता है। मैंने कहा कि यह सही बात है, और अब अंधेरा भी हो गया है, घटा छा गई, ये पानी की फुहारे भी चल रही थी, तो बोल रहे कि इसमें तो और मज़ा आता, आनंद आता है पीने का, और मुझे जो चीज़ महसूस हो रही थी तो मुझे अलग डर लग रहा था। मैंने कहीं ऐसा नहीं है जो बोर्ड में सबके नाम लिखे हुए हैं उसमें हमारा नाम भी लिखा जाए। इस वजह से फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि देखो, मैंने कहा दारू के नशे में ये मत भूलो कि यहाँ इतनी मौतें हो चुकी है, इसलिए धीरे से जल्दी चले चलो, मुझे यहाँ कुछ अजीब सी महसूस हो रहा है, अजीब सी आवाज़ें आ रही है, अजीब सी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
तब उनमें से दो दोस्तों ने माना, हाँ ठीक है यार, अब चलो रात भी हो गई है, एंजॉय भी हो गया है। तब वो वहाँ से उठ के अपने अपने घर के लिए चल दिए। वो दिन उतरात थे कि आज तक नहीं भूला मौत को मैं।